हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नैनू क्रिएटिविटी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मेरी गोल्ड फ्लावर बनाना सीखेंगे। इसके लिए लिया है मैंने 3 प्लाई का ऊन और येलो कलर का लिया है और मैंने एक ढक्कन पर इसे लपेट लिया है। इसको 80 बार मैंने लपेटा है फ्रेंड्स, और 80 बार लपेटने के बाद इसको हम बीच से काट लेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने 3 प्लाई का ऊन लिया है। आप चाहें तो 4 प्लाई 2 प्लाई कोई भी ऊन ले सकते हैं। तो 4 प्लाई लेंगे तो थोड़ा सा कम लपेटेंगे हम, और जब 2 प्लाई लेंगे तो थोड़ा सा ऊन ज़्यादा लपेटेंगे। फ्रेंड्स, चाहें तो आप धागा ज़्यादा ऊन भी लपेट सकते हैं, और ज़्यादा ऊन लपेटने पर हमारा पम बड़ा और बड़ा बड़ा बनेगा। तो यहाँ मैंने 3 प्लाई का ऊन का इस्तेमाल किया है, और आज के इस वीडियो में हम पम से मेरी गोल्ड फ्लावर बनाना सीखेंगे, और उस मेरी गोल्ड फ्लावर से फिर हम बहुत मेरी गोल्ड फ्लावर का बहुत सा उपयोग करेंगे। पम तो हमने कई बार बनाया है, लेकिन ये पम से हम मेरी गोल्ड फ्लावर बनाएंगे। अब हम 1.5 इंच की दूरी पर इसे 1.5 इंच की दूरी पर इसे बांध लेंगे। फ्रेंड्स, जब हम 4 प्लाई का ऊन का इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा ऊन लपेटेंगे तो हम 1.5 इंच के बजाय 2 इंच की दूरी पर इसे बांधेंगे। तो फ्रेंड्स, इतना 2-2 इंच पर बांधेंगे और कस के बांधेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो पम जो है, तो मैंने पहले भी पम बनाना बताया है। पम तो हम कई प्रकार से बनाते हैं, कूट पर बनाते हैं, उंगलियों पर बनाते हैं, और भी तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये जो पम है इस तरह से बनाने पर जल्दी ही बन जाता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में हमें बनाना है मेरी गोल्ड, तो इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया है। और इस तरीके से पम बनाने से हमारा बहुत जल्दी ही बन जाता है, और इसमें जो है ऊन जो है ज़्यादा कटकर नहीं निकलता है। और इसी तरह से धीरे धीरे सारे में हम फ्रेंड्स बांध लेंगे 1.5-1.5 इंच की दूरी पर। और फिर हम इसे फ्रेंड्स कट लगा लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन घंटा जरूर दबा दीजिएगा। इस तरह का बहुत सा वीडियो हमने डाल रखे हैं अपने चैनल पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने काटा है इसको फिर हम क्या करेंगे, कैंची से इसके जो एक्स्ट्रा जो निकले हुए हैं ऊन, उसको हम धीरे धीरे काट लेंगे। दूसरे तरीके इस तरीके से बनाने से पम क्या है कि ज़्यादा हमारा ऊन छट के नहीं निकलता है, और ज़्यादा नहीं बर्बाद होता है हमारा ऊन। दूसरे तरीके से बनाने पर ऊन हमारा ज़्यादा बर्बाद होता है। तो ये देखिए कितना सुंदर पम बन के तैयार है फ्रेंड्स। तो बहुत ही सुंदर पम बनेगा इस तरीके से, और जल्दी बनेगा, और भारी ज़्यादा मात्रा में बनेगा। तो लीजिए, हम इसे कैंची से काट लेते हैं और इसको गोल राउंड शेप दे देते हैं। अब फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने और भी बना के रखे हुए हैं। तो अब हम फ्रेंड्स इसके डंठल बनाएंगे। अब मेरी गोल्ड फूल बनाने के लिए इसके डंठल बनाना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो इसके लिए लिया है मैंने ग्रीन कलर का ऊन। तो इसको मैंने अपने एक उंगली पर इसे 15 बार लपेटा है। अब हम थोड़ा सा धागा लेकर के कट कर लेंगे और इसमें सुई लगा देंगे। सुई लगाने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जो इसको हम इस तरीके से देखें फ्रेंड्स, उंगली में लगे हुए हैं, हम इसको हम सुई की सहायता से बांध लेंगे, अच्छी तरह से बांध लेंगे। बांधने के बाद ही इसे हम उंगलियों से निकालेंगे। 2-3 बार इसे अच्छी तरह से बांध लेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा ये तैयार हो जाएगा। अब हम लेंगे एक पम और इसके बीचों बीच इसे पिरो देंगे और अच्छी तरह से इसे टाँक देंगे फ्रेंड्स। 2-3 बार इसे हम नीचे से ऊपर ले जा करके टाँक देंगे और इसे मजबूत कर देंगे, नहीं तो हल्का सा टाकेंगे तो ये खुल के निकल सकता है। तो ये जो फ्लावर जो है, इस फ्लावर का हम तोरण बनाएंगे फ्रेंड्स, या बहुत से क्राफ्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको इजी तरीके से मेरी गोल्ड फ्लावर बनाना बताया है, गेंदे का फूल बनाना बताया है। तो और भी हमारे चैनल पर बहुत से ऐसे वीडियो हैं जिसको आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटा ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब फ्रेंड्स, इसको हम एक्स्ट्रा जो ऊन है उसको हम काट लेंगे, और काटने के बाद इसको राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए हमारा मेरी गोल्ड फ्लावर जो है बिल्कुल तैयार।
और फ्रेंड्स इस तरह का मेरी गोल्ड फ्लावर मैंने और बहुत सा तैयार करके रखा हुआ है जो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।